कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं, आई थिंक आफ्टर यही एग्जाम और जो ग्यामर पादंग है उनका पेपर लीक हुआ है, उस क्लेम के बाद हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़ोरदार से ये इशू चल रहा है और बहुत लंबा समय से हम लोग स्टूडेंट्स अरना ये नेहरू स्टूडेंट्स यूनियन और रिसर्च स्कॉलर्स लोग भी इसका बारे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस करते करते यू नो एक ऐसा अभी समय आया जहाँ में हम लोग को एक सॉलिडरिटी सपोर्ट देने का पूरा एक जरूरी पड़ गया और आई थिंक ऐसा है ये देर आर ओनली पीपल हु इज फाइटिंग ऑलरेडी है ना, और जो वो लोग लड़ रहा है दे आर हैविंग अ वेरी गुड फाइट और जो डेटा वो लोग दे रहा है दे आर ऑल फैक्चुअल और वी आर वेरी हैप्पी विद दोस स्टीयरिंग कमिटीज दैट दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ डेटाज विद प्रूफ एंड ऑल, और कम से कम अरुणाचल का पब्लिक को कन्विंस कर पाया ये लोग कि देखो भाई करप्शन है और प्रूफ भी किया है और अभी तक कल तक दो लड़का लोग को पकड़ा गया है, तो उसको देख के आई थिंक आज हम लोग का जितना भी नेहरू का स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हाई नॉट वी गिव ए सॉलिडेटरी एंड वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग बट लेकिन आज हम लोग सब इकट्ठा हुआ है, आई थिंक द नेहरू कंप्राइजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, सो वी आस्क देम ऑल्सो एंड देन दे सेड सी करप्शन इज नॉट एक स्टेट का तो होता नहीं है, वो पूरा यू नो इट्स अ कैंसर, इट्स अ मॉरल कैंसर, तो सब क्यों ना आए और वी शो आवर सॉलिडेटरी टू द टीम, और नेहरू लोग को भी पता चला है कि द विसल ब्लोअर जो है उनका बीमार हो गया, आई थिंक लॉट मैनी हैड कंट्रीब्यूटेड फ्यू अमाउंट्स वट एवर दे कुड हैव गिवन, तो उनको लेके आज ये एक इमोशनल बिल्डअप हुआ है एंड वी आर डेट अगेंस्ट दोज थिंग्स बिकॉज देखो हर यही या जेई एग्जाम या APSC एग्जाम्स में हमारा जो नेहरू से है आई थिंक वी ऑलवेज क्लियर इट विद शेयर हार्ड वर्क एंड ऑल, तो अगर ऐसे ही कल को यही लोग ही देने जा रहे हैं, हम लोग ही एग्जाम देने जा रहे हैं ना, फाइनल ईयर के बाद तो एग्जाम्स के लिए रुकता है, अगर उसमें ही बाइंग और सेलिंग चल रहा है तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ प्लेस फॉर अस, तो इसको अगर हम लोग नहीं चलेगा तो आई थिंक हम लोग किसी और को एक्सपेक्ट करके कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सो दैट इज वाई वी आर हियर टुडे एंड आई थिंक आवर बॉयज आर डूइंग वेरी वेल एंड विल हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स यू नो मेजर पॉइंट्स दैट डिमांड्स टू यू ओके बेसिकली फर्स्ट थिंग इज वी आर गिविंग सॉलिडेटरी टू द ऑलरेडी डिमांड्स दैट आई पुट बाय द यू नो द स्टीयरिंग कमिटी, सो वी ऑलरेडी सपोर्ट दैट डिमांड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी फेल्ट वाज आई थिंक दैट विसल ब्लोअर एक्ट इन स्टेट शुड बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज विसल ब्लोअर्स आज ग्यामर पादंग जैसा निकाला है, क्या पता और भी हिम्मत वाला लोग होगा लेकिन डरता भी होगा सिस्टम से भाई हमको कल कोई कुछ कर देगा, अगर ये एक्ट रहेगा या ये एक्ट पास होगा तो आई थिंक हम लोग का जो लड़का लोग है जो जोशीला लोग है और निकलेगा बताने के लिए कि आई थिंक लॉट मेनी विजिल ब्लोअर्स कैन कम, डिपार्टमेंट से भी निकलेगा, तो इसलिए ये एक्ट ये प्रोटेक्शन देना चाहिए विजिल ब्लोअर्स को, ये हम लोग का एक क्लियर हम लोग का रिक्वेस्ट है और आई थिंक द स्टीयरिंग कमिटी ऑल्सो हैव एडेड दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स दैट दे हैव एडेड वी ऑल सपोर्ट दैट, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेहरू का तरफ से हम लोग एक मूवमेंट शुरू कर रहा है पेन डाउन मूवमेंट, ये पेन डाउन मूवमेंट जो है ये ऐसा है कि आज जितना भी लोग हैं हम लोग अपना पेन को सरेंडर कर देगा बिकॉज देर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग एग्जाम्स, ये पेन को सरेंडर करके इसको पैकिंग करके हम लोग राजभवन गवर्नर के पास भेज देगा, अगर सॉल्व करना है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए बिकॉज अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग के पास एक ही हथियार ये पेन है, अब हथियार को भी ले जाओ हम लोग ऐसे ही रह जाएगा है ना, तो आज पेन डाउन मूवमेंट हम लोग आज से शुरू होगा और हम चाहता है कि ये एक ये चेन इफेक्ट सभी को हो और कल सभी जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है सभी लोग अपना अपना पेन गवर्नर को भेज दे, वहाँ भेज के ये प्रोटेस्ट करे कि वी आर अगेंस्ट दिस सेलिंग ऑफ पेपर्स सेलिंग आवर फ्यूचर्स, तो ये है हम लोग का आज का स्पेशली मेन इवेंट। अभी जैसे आपको पता होगा कि जितना भी एक्यूज होगा केस कोर्ट में अभी चल रहा है, what we got to know is that उनका जो जेल टर्म है वो बस 7 years का है, 7 years भी अगर ठीक ठाक से अगर वो लोग बीच में अगर कुछ बिहेवियर शो करते हैं तो दे जस्ट गेट आउट इन 3 या 5 years में हो जाएगा, तो वो तो जस्टिस बोलेगा, तो अभी वो तो कहीं से भी अगर लीगल परस्पेक्टिव में देखा जाएगा तो वो जस्टिस हुआ है, लेकिन ऐसा सोचने में जो एक्सपीरियंस इतना साल से मेहनत कर रहा था उन लोगों के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, तो what do you think you know as a student as upcoming आप भी कभी दिन बाद में वो एस्पिरेंट बनेंगे, तो what do you think should be done by the concerned authorities? I think that is the land of law and we have to respect that, but apart from that what I feel is they should be terminated from the job, agar convicted ho gaya aur pura उनका प्रूफ हो गया तो चलो जेल तो टर्म होगा और दैट इज़ द लॉ दैट इज़ द कोर्ट हु डिसाइड्स दैट, उनको रेस्पेक्ट रखते हुए आई थिंक वो टर्मिनेशन होना चाहिए और लाइफ टाइम एग्जाम से बाहर होना चाहिए बिकॉज ये एक एग्जाम्पलरी एक पनिशमेंट होगा है ना, ताकि और कोई हिम्मत ना करे ऐसा करने के लिए, तो अपार्ट फ्रॉम दैट दोज कोर्ट थिंग एंड देयर पनिशमेंट द टर्म ईयर्स जितना भी है आई बिलीव अगर कोई कन्विक्टेड हो गया ऑफिसर्स कैंडिडेट्स और एनीबडी एल्स दे शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर जॉब इमीडिएटली, नॉट सस्पेंशन, इट शुड बी दे
career should be terminated. That this should be a full stop for anyone who is practicing this. Yeah. सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नीलम सिकोम, प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन ऑफ नेरिस ना। तो आज हमारा जो रैली का जो मेन मोटो है वो तो आई थिंक ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश सब समझता है ना, सब समझता है कि रैली क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ऐसा है। तो रैली हम लोग फिर भी हम बताना चाहेगा कि रैली क्यों हो रहा है। रैली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर को जो सेल किया गया है ना, ऐसा जो जो एक्ट है, नोटोरियस एक्ट है, नोक्सोस एक्ट जो बहुत बड़ा क्राइम मानता है हम लोग ना, वो क्राइम हम इसलिए मानता है क्योंकि उन लोग जो हम लोग ऐसे यूथ ऐसे स्टूडेंट कम्युनिटी का हक हक को छीना गया है ना, हक को चीना गया है, उम्मीद को चीना गया है, एस्पिरेशन को चीना गया है, हमारा सपना को चीना गया है। आप सोच के देखिए, ऐसे यूथ ऐसे स्टूडेंट हम लोग पढ़ाई किस लिए करता है ना, कल को डिग्री मिल के हम लोग को जॉब मिले इसलिए हम लोग पढ़ाई करता है ना। अभी हम लोग APPSC का जैसे ऐसा क्राइम करके हम लोग को जो एक डिस्प्रेशन, हम लोग को जो हेल्पलेसनेस, एक होपलेसनेस दिया है ना, वो पॉइंट को देखने से हम लोग का मतलब जो एजुकेशन परस्यू करने का जो वैल्यू है वो खत्म हो गया। तो अभी हम लोग एजुकेशन परस्यू भी क्यों करेगा, है कि नहीं, कि हमको पता है कि आगे जाके हमको नौकरी मिलने वाला है नहीं ना, वो चीज़ वो मैसेज APPSC की तरफ से दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग टोटली अगेंस्ट करता है, स्ट्रांगली कंडेम करता है। ऐसा APPSC की तरफ से जो एक्ट हुआ है, क्राइम हुआ है ना, ऐसा है। और उस फ्रस्ट्रेशन के लिए, उस फ्रस्ट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए आज का रैली इसीलिए किया गया है ना। और आज के रैली में नॉट ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, स्टूडेंट्स फ्रॉम द ऑल ओवर द कंट्री, राजस्थान से, UP बिहार से, है कि नहीं, मेघालय से, मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, असम से, हर कोना से आया है आज। और आज उन लोग सॉलिडरिटी देता है हम लोग को, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि करप्शन आज अरुणाचल में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ उन लोगों का स्टेट में भी हो सकता है, देश के किसी भी कोने में भी हो सकता है ना। आज इस चीज़ को अरुणाचल प्रदेश में सुधारा जाएगा, है कि नहीं, सुधारा जाएगा तो कल को ये मैसेज दूसरा देश में भी जाएगा ना, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी जाएगा कि ऐसा करप्शन नहीं होना है बोल के, है कि नहीं। तो वो चीज़ हम लोग एक्सप्रेस करना चाहता है, वो चीज़ हम लोग कन्वे करना चाहता है पब्लिक को ना। और पब्लिक को मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि क्या अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंडिविजुअल्स है वो क्या उन लोगों को लगता है कि जो कमीशन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन शुड बी एक्टिंग लाइक अ पब्लिक सर्विस कमीशन ना। अब प्राइवेट सर्विस कमीशन का जैसे जिसको भी चाहे अपना किड्स एंड किन्स को नौकरी दे दिया, किसी को भी चाहे नौकरी में रख लिया, ये तो गलत है ना भाई ना, अपना मन मर्जी कर रहे थे, अपना बाप का पानी कैसी समझ रखा है क्या ना, कोई किसी भी सीजन में कोई भी बीज बो देगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए पब्लिक को हम लोग मतलब ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो हक को छीना गया है, हम लोग का जो सपना को छीना गया है ना, उसको लड़ने के लिए पब्लिक भी साथ देगा ना, नॉट ओनली स्टूडेंट, नॉट ओनली यूथ, पब्लिक भी साथ देगा, पेरेंट्स भी साथ देगा, मतलब ये हम लोग उम्मीद है ना। और ये ऐसा है कि APPSC में जितना भी अभी PIASCO में इन्वॉल्व है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेलिंग में जो इन्वॉल्व है, उसको हम जस्ट क्वेश्चन पेपर सेलर नहीं मानता है ना, वो मास मर्डरर का तरफ से हम देखा जाता है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों में कितने स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड किया है ना, नौकरी नहीं मिल के पढ़ाई कर करके 24 आवर्स में एक इंसान 24 आवर्स ही पढ़ सकता है, 25 आवर्स नहीं पढ़ सकता है ना। अब 24 आवर्स पढ़ के भी अब कोई जेब जॉब को क्रैक नहीं कर पा रहा है बोलने से, तो मीन समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन ना। तो ऐसे हम लोग गरीब इंसान होने के नाते और कुछ कर भी नहीं सकता है कि नहीं, तो वो हेल्पलेसनेस होपलेसनेस फील होके आदमी लोग मतलब स्टूडेंट्स लोग सुसाइड किया कर रहा है ना, है कि नहीं। तो उस नज़र से देखने से अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, दे आर नॉट जस्ट मियर पेपर सेलर्स ना, उन लोग मास मर्डरर्स है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ नेरिस का तरफ से ये स्ट्रॉन्गली डिमांड करता है कि जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा देना है ना,
कड़ी से कड़ी सजा देना है, इतना सजा देना है कि कल को दूसरे स्टेट में भी मैसेज जाए कि ऐसा करना बहुत मतलब गुनाह है, मतलब बहुत क्राइम है ना, बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसा नहीं करना है, कहीं भी स्टेट में भी नहीं करना है। तो अरुणाचल प्रदेश एक एग्जाम्पल सेट करना है ऐसा ऐसा एक को बहुत बड़ा पनिशमेंट दे के। और इन्वेस्टिगेशन मेरा तरफ से डिमांड ये है कि जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन होना है ना, जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन होना है, जस्टिफाइड इन्वेस्टिगेशन। देखो अभी चौथा से चौथा इंसान को ड्रैग करके जेल में इंक्वायरी किया जा रहा है, तो बड़ा बड़ा जो बॉस लोग है उसको इंक्वायरी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये हम लोग का क्वेश्चन है ना, टू द CBI, टू द SIC, ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्यों उन लोगों को नहीं किया जा रहा है। इसीलिए फाइनली हम वही बोलना चाहेंगे, जितना भी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है उसको सिर्फ ऐसा अरेस्ट करके इंक्वायरी करके नहीं छोड़ देना है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना है। हम लोग का यूथ का स्टूडेंट कम्युनिटी का उम्मीद को वापस लाना है ना, उसको हम लोग को वापस लाओ, हम लोग को उम्मीद को वापस लाओ, हम लोग का एस्पिरेशन को, हम लोग को ड्रीम्स को वापस लाओ, ये हम लोग का डिमांड है क्या नहीं।